नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पे। स्कूल बसों की हो रही दुर्घटनाओं के बाद जागा परिवहन विभाग सीहोर आरटीओ अनुराग शुक्ला ने छह ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चलाया चेकिंग अभियान। 20 से अधिक वाहनों को पकड़कर की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों का स्वर हुए बुलंद। इछावर में आम आदमी पार्टी दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। बोले शिवराज सिंह ने मामा के नाम को किया बदनाम। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होगी कोरिया की फर्स्ट लेडी। दीपोत्सव के दिन मुख्य रूप से होंगे 6 कार्यक्रम। भगवान राम के जीवन व्रत पर निकाली जाएगी झांकियां। देश के अन्य प्रांतों में स्कूल बसों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसकी बाद मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को भी नींद खुल गई है। सीहोर आरटीओ अनुराग शुक्ला ने इछावर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। जनपद पंचायत के सामने से निकाल रहे वाहनों को हाईवे पर स्कूल बस, दोपहिया वाहनों को, ट्रक और डंपरों की जाँच की। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों के दस्तावेज नहीं थे उन्हें पकड़कर इछावर थाने पहुंचाए गए। कई ने जुर्माना शुल्क जमा किया। चेकिंग अभियान में 20 से आरटीओ अनुराग शुक्ला ने बताया कि अभियान शुरू किया जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र आरटीओ सभी विद्यालयों में प्राचार्यों के संचालकों के साथ बैठक करेंगे और स्कूल बसों में जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र छात्राएं वाहनों से आते हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चर्चा करेंगे। छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव के पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली सांसद संजय सिंह ने भाजपा और कांग्रेस सरकार को घेराव उनकी कमियां खामियां गिना दी। इछावर में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ा। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बचा है, जिसे देखते हुए पार्टियों के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं और पार्टियों की खामियां निकाली जा रही हैं। इछावर में आम आदमी पार्टी दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मामा के नाम को बदनाम किया है। किसानों ने अपनी फसल का दाम मांगा तो मुख्यमंत्री ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। दिग्विजय सिंह ने और ज्योतिराज सिंह आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे? कांग्रेस के शासनकाल में 24 और बीजेपी के शासनकाल में 7 मौत हुई हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों और आम आदमी के लिए मुश्किल वाली पार्टी हैं। संजय सिंह ने कहा कि अब की बार जनता आम आदमी पार्टी को साथ प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर रहेगी। छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। एक राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे राजा दिग्विजय सिंह, तीसरे राजा अजय सिंह, चौथे उद्योगपतियों के राजा हैं कमलनाथ। तो पहले राजा आपस में लड़ रहे हैं। मैंने तो आज देखा, अखबारों में पढ़ा है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आपस में लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे? कांग्रेसी पहले आपस में लड़ेंगे, चुनाव बाद में लड़ेंगे। 15 वर्षों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह जी का शासन रहा और शिवराज सिंह जी के शासनकाल में व्यापम जैसा खूनी घोटाला हुआ, डंपर घोटाला हुआ, कोल ब्लॉक्स को औने पौने दामों में दे दिया गया, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो इस प्रकार से कई घोटाले शिवराज सिंह जी की सरकार के दौरान हुआ। ई टेंडरिंग के नाम पर घोटाला किया गया, अपने चहेतों को ठेका दिया गया और मध्य प्रदेश में जो बुनियादी सुविधाएं लोगों की थी, वो चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे बिजली पानी की हो, ये सुविधाएं या तो खत्म की गई या महंगी की गई। आज मध्य प्रदेश जहां पर बिजली का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, उस मध्य प्रदेश को 2 गुना से ज्यादा महंगी बिजली मध्य प्रदेश के लोगों को देनी पड़ती है, जबकि दिल्ली में जहां बिजली का उत्पादन नहीं होता है वहां पर आधे दाम में बिजली मिलती है। धर्मनगरी अयोध्या में सीएम योगी के दूसरे दीपोत्सव पर शिखर मंथन हुआ। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरिया के फर्स्ट लेडी अयोध्या दीपोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीपोत्सव की तैयारी बैठक में मुख्य सचिव अनूप चंदन पांडे ने कहा कि दीपोत्सव के दिन मुख्य रूप से 6 कार्यक्रम होंगे। इस दौरान भगवान राम के जीवन व्रत पर झांकियां निकाली जाएगी। राज्यपाल राम नाईक, बिहार के राज्यपाल लाला जी टंडन और कोरिया की फर्स्ट लेडी कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। दीपोत्सव में
3 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे और देर रात तक आतिशबाजी की जाएगी। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। फैजाबाद से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जालौन में यातायात माह का शुभारंभ हो चुका है। जालौन पुलिस विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जालौन एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने फीता काट कर किया। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को हेलमेट का प्रयोग करने के, सीट बेल्ट लगाने समेत यातायात के विभिन्न नियम बताकर उनका पालन करने को कहा। एसपी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यातायात के नियमों को पालन बेहद आवश्यक है, यदि नियमों का पालन किया जाए तो जीवन सुरक्षित रहेगा। जालौन से मनीष राठौर की रिपोर्ट। नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और रोड पर चलने वाले बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। कराता था, जैसे हम लोगों को आदत नहीं है कि हम शहर में चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो हमको हाई बीम पे चलना चाहिए कि लो बीम पर चलना चाहिए। जालौन में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला से लूटपाट कर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। घटना का अंजाम देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी के लिए बस इतने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।